इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो जियांग और सेंग है वो साथ में सो रहे होते हैं एक बेड पे। तो जियांग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और वो मन में सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, ऊपर से मैंने कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया। तभी से जियांग जो है वो सेंग की तरफ देखता है और सेंग आराम से बिल्कुल गहरी नींद में होता है। तभी जो है जियांग मन में सोचता है मैं क्या करूँ, मुझे भी जो है अब सो जाना चाहिए, नहीं अब मुझे भी सोना है, मुझे भी नींद आनी है। और वो अपने आप को ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि चैन जो है वो खूब एक्सरसाइज कर चुका होता, थक चुका होता है। हाँ, और जो है चैंग जो है वो जियांग के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया होता है और चैंग जो है बाबा जियांग का जो है नाम ले रहा होता है। लेकिन जो जियांग है वो शांति से आराम से घोड़े बेच के सो रहा होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ जो है चैंग नोटिस करता है और वो जो है जियांग के पास जाता है और कहता है कि हे जियांग, हाँ उठो, ये देखो हम मैं जो है ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। और जो है जो ब्रेकफास्ट की थैली है उसका खोल देते ताकि स्मेल जो है वो जियांग की तरफ जाए। हाँ, तभी जो है चैंग कहता है कि हे उठो, हमारी जो है 10 बजे की अपॉइंटमेंट है जहाँ हमें घर देखने जाना है और अभी 9 बज गया, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? फिर भी जो है जियांग का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ देख के चैंग के हाथ में जो ब्रेकफास्ट की थैली होती है उसे जो है वो टेबल पे रख देता है। और उसके बाद जो है चैंग जो जिस पे जियांग लेटा होता है ना, वो चादर ऐसे ज़ोर सी जो है खींच लेते हैं क्योंकि जो जियांग है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता है। और खींचने की वजह से जो है जियांग ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन वो इतना डीट है अभी भी वो जो है ज़मीन पे आराम से सो रहा है। तो ये चीज़ चैंग देखता है और मन में सोचता है मैंने पहली बार किसी को इतने गहरी नींद में जो है सोते हुए किसी को देखा। और जो जियांग है वो कहते हैं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करो। तभी जो है चैंग की नज़र जो है जियांग की बॉडी पे जाती है, बैग पे, क्योंकि उसके जो है कपड़ा थोड़ा ऊपर हो गया होता है। तभी ये देख के जो है चैंग कहता है कि ठंड है और उसे जो है वो चादर उड़ा देता है। हाँ, तभी जो है जियांग को छींक आती है और कहती है कि कितनी ठंड है और मैं जो है ये ज़मीन पर क्या कर रहा हूँ, उठ के बैठता और कहता है। तो ये सुन के जो है चैंग कहता है तुम अपने आप ही ज़मीन पर आके सो रहे हो, मुझे क्या पता तुम ज़मीन पर कैसे आ गए। तभी जो जियांग है वो उठता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैं जो है फ्रेश अप होने जा रहा हूँ, और आंखें भी नहीं खुली है, आंखें बंद कर करके ही वो आराम से जा रहा है। और ये चीज़ देख के चैंग थोड़ा अजीब होता है, जियांग जब फ्रेश अप होने के लिए जा रहा होता है वो चल भी ऐसे रहता है कि हिलते उड़ते कि जैसे अभी वो गिर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो है जो जियांग है वो फ्रेश अप हो जाता है। अब दोनों जो है ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं बैठ के आराम से। तो जो जियांग है फ़ोन में देखते देखते कर रहा होता है ब्रेकफास्ट, तो उसके फेस पे उसे जो है खाना लग जाता है। तभी जो चैंग है वो जियांग को टिश्यू पेपर देता है और चैंग जो है वो कहता है कि अभी जो है हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे फिर हम रूम देखने चलेंगे। तो जो जियांग है वो कहते हैं हम किस जगह पर रूम देखने चल रहे हैं। तभी जो है जो चैंग है वो कहता है कि क्यों ना तुम जो है ये रूम है अपने स्कूल में। तो ये चीज़ जो है जियांग सुनता है और पर इस पे जो है जियांग कुछ बोलता नहीं है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो लोग जो अपने रूम से बाहर निकल रहे होते हैं और एक दूसरे से वो दोनों कुछ भी नहीं कह रहे होते। तभी जो है जो जियांग है अचानक से चैन से कहता है कि नहीं तुम कह रहे हो कि मैं जो रूम है उसको नहीं, अगर मैं वहाँ ले लूँगा तो तुम तो मेरे से बिल्कुल भी मिलने आओगे ही नहीं। और ये चीज़ सुन के जो चैंग है वो सिर्फ जियांग को ही देखता है थोड़ा शॉक्ड होकर। फिर हम देखते हैं कि जो चैंग और जियांग है अब जो है वो दोनों ही जो है होटल से बाहर निकल गए होते हैं रूम देखने के लिए होटल से। तभी जो है जियांग कहता है कि मुझे जो है एक ऐसा रूम चाहिए जहाँ की खिड़कियाँ बहुत बड़ी हो, अच्छी हवा आती हो और वो सेकंड फ्लोर पे हो, हाँ, और ताकि मैं वहाँ पे आराम से जो है मूवीज़ लगा के देख सकूँ, गेम्स का ये सारी चीज़ें जो है मैं कर सकूँ। तभी जो है जो चैंग है वो जियांग को देखता है और मन में सोचता है कि अब जो है न्यू ईयर के बाद जो है मेरी ट्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे चैंग को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो है चैंग कहता है जियांग, तभी जियांग जो है स्माइल करके कहता है कि क्यों ना मैं जो है तुम्हारे आस पास ही रेंट पर कहीं रहूँ, हाँ। तभी जो है ये सुन के जो है चैंग कुछ बोलता नहीं और मन में सोचता है कि एक काम करता हूँ, इस बारे में जो है जियांग से जो बात मैं बाद में करूँगा इसे खुश रहन दो, वैसे भी मुझे अभी जो है इसे रेंट पे निकालना, तब इसे जो है अपने आप को सेफ और फ्री फील करने दो। हाँ, तभी जो है चैंग जो है वो कहता है ये देखो हम पहुँच गए, हम जो है रियल स्टेट ऑफिस में पहुँच गए, चलो हमें अंदर चलना है। तभी वो अंदर जाते हैं, तभी वहाँ का एक ऑफिसर होता है और कहते हैं हेलो सर, आपको जिस तरह का रेंट पे जो है प्रॉपर्टी चाहिए हमें हमारे पास है, आप प्लीज़ अंदर चलिए, हम अंदर बैठ के बात करते हैं। तभी जो है हम देखते हैं कि अंदर वो जाते हैं तो जियांग जो है वो उस पर्सन को बताता है ऑफिस के
तो मेम्बर हाउस से कहता है कि मुझे जो है एक बड़ी सी चाहिए जगह, हाँ ठीक है, और वो लिन सिटी 2 होना चाहिए जो कि स्कूल से थोड़ा दूर और खुली जगह उसे चाहिए। तो ये सुन के जो पर्सन मन में सोचता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि चेन ने जो है उसे पहले बता रखा था कि ये जो जगह उसे प्रॉपर्टी के लिए चाहिए है, रेंट के लिए, वो स्कूल से पास होनी चाहिए, हाँ, और सेफ जगह होनी चाहिए और प्लेस भी ठीक ठाक होना चाहिए, हाँ, ऐसा सब पूरा चीज़ें बताया था। तभी जो है चेंग उस पर्सन को देखता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और चारों में बोलता है कि तुम जो है बस मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा। तभी जो है चेंग ज़ियांग को कहता है कि देखो तुम्हें जो है स्कूल से जो है पास में जो है प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी चाहिए, ठीक है। इससे भी ये भी है कि अगर तुम्हें रात को कहीं जाना है, देर रात तक तुम थोड़ा बाहर रह सकते हो, ठीक है, और ये सेफ भी है। पर जो है ये सुन के ज़ियांग खुश नहीं होता, मन में सोचता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर जो है जो चेंग वो ज़ियांग को कहता है कि ज़ियांग क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँ, हाँ तुम्हें मैं लेने आऊँ, हाँ इससे तुम्हें ठीक रहेगा। तो फिर ये सुन के ज़ियांग कहता है कि ठीक है, कुछ नहीं होता पर ठीक होता। तभी जो वो पर्सन कहता है चलो ठीक है, तो हम जो है रेंट का प्लेस देखते हैं, ये जो है हाई स्कूल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। तभी जो है उन दोनों के पास सारी रेंट्स की पिक्चर्स होती है। तभी जो है उस पिक्चर्स में से एक ही नज़र जो है ज़ियांग पे जाती है, और ज़ियांग जो है खुश होकर कहता है कि चेंग, तो वो कहते हैं हाँ, तो ज़ियांग जो है वो कहता है कि हम इस जगह पे चलेंगे। तो ये चीज़ देख के चेंग को भी अच्छा लगता है कि वो खुश है ये चीज़ देख के। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अपने होटल वापस गए होते हैं और चेंग के हाथ पे इतने सारे कपड़े होते हैं ज़ियांग के, और मन में चेंग सोचता है कि ज़ियांग के इतने सारे कपड़े हैं और ये सारा इस सूटकेस में एडजस्ट कर रहा है वो, हाँ। तभी जो है चेंग के पास उसकी क्लासमेट का मैसेज आता है, और जो है ज़ियांग अपने कपड़ों को देख रहा होता है कि वो सूटकेस में कैसे डाले, वो रख भी रहा होता है। तभी जो उसके क्लासमेट कहते हैं कि बॉस चेंग आप कल रात कहाँ पे थे। तभी पीछे से दूसरा क्लासमेट कहता है बॉस जो है चेंग से पूछो कि कल वो क्या किसी गर्ल के साथ थे। तभी जो है चेंग जो है वो कहते हैं कि जो भी बोल रहे हो तुम साफ साफ बोलो, हाँ। तभी जो है वो कहता है पर्सन कि अच्छा ठीक है, देखो अब आप जो बोलोगे उसी पर डिपेंड करता है, वैसे मैंने जो है सारा सामान जो है पैक कर लिया है, पर मैं जो है प्लेन की टिकट बुक करने वाला हूँ, अब आप जो जवाब दोगे उसी पर डिपेंड करेगा। तभी जो चेंग ज़ियांग को देखता है जो कि सूटकेस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम में होता है, वो बंद कर रहा होता है। तभी जो है चेंग इशारे में ज़ियांग को कहता है कि जरा संभाल कर, पर ज़ियांग को कुछ समझ नहीं आता। तभी जो है चेंग अपने फ्रेंड से बोलते हैं हाँ क्या चीज़ मेरे पर डिपेंड करता है, बोलो क्या चीज़ बोल रहे तुम लोग। तभी जो उसका फ्रेंड है वो कहता है कि अच्छा तो ये बताओ कि कल रात क्या तुम किसी गर्ल के साथ नाइट स्पेंड कर रहे थे, क्या वो गर्ल इंग्लिश मीडियम से है, क्या इंग्लिश डिपार्टमेंट से है। तभी दूसरा फ्रेंड कहता है कि या फिर वो गर्ल जो है बिजनेस डिपार्टमेंट से है। तो तभी जो है जो चेंग है वो कहता है इसमें से कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंग जो है वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने अपना पेपर सॉल्व कर लिया, अगर नहीं किया तो उसे करो, ज़्यादा बकवास बातें मत करो। तो चेंग जो है वो अपना फ़ोन रखता है, तो जो चेंग है वो पूछता है कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड है। तो जो चेंग है वो कहता है हाँ पर ये इतने भी अच्छे नहीं है, वे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तभी जो है तो ज़ियांग जो है वो कहते हैं तो मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो चेंग कहते हैं तुम्हारे बारे में। तो जो ज़ियांग है वो कहता है कि मैं तुम्हारा किस तरीके का फ्रेंड हूँ, ये थोड़ा सैड होकर थोड़ा बोलता है मैं नॉर्मल फेस से। तो ये सुन के जो है जो चेंग है वो ज़ियांग के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम तो मेरा बिल्कुल यंग ब्रदर की तरह हो। और इसी के एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।